नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको रीट भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एवं अन्य भर्तियों की जानकारी मिलेगी। साथ साथ राजस्थान शैक्षिक समाचार की पीडीएफ फाइल भी आपको वहां पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 18 अगस्त 2021 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश, बीएड डीएलएड के प्रशिक्षणार्थियों को मिलेगा फायदा। राजकीय और सार्वजनिक अवकाश के दिन भी करनी होगी इंटर्नशिप। वर्क फ्रॉम होम के साथ कर सकेंगे इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप पूरी होने पर रीट परीक्षा में हो सकेंगे शामिल। डेली न्यूज जयपुर। रीट शिक्षक भर्ती 2021, बड़ा फैसला, कोर्ट में दायर अपील वापस लेगी राज्य सरकार। थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2016 में खाली रह गए 874 पद भरेंगे। तीन गुना निकाले मेरिट ताकि खाली पद न रहे। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार को ये सभी पद भरने के लिए पदों के मुकाबले तीन गुना तक मेरिट निकालनी चाहिए। अगर 874 पदों पर इतने ही अभ्यर्थियों की मेरिट निकलती है तो पहले वाली स्थिति फिर बन सकती है, क्योंकि जो मेरिट आएगी उसमें से कई अभ्यर्थियों का पहले ही 2018 भर्ती में सेकेंड ग्रेड अध्यापक या स्कूल व्याख्याता में चयन हो चुका होगा। जयपुर भास्कर, रीट 2016 सेकेंड ग्रेड, यह मामला। 15,000 पदों पर निकाली गई थी रीट 2016। राजस्थान में 1 सितंबर से 9वीं 12वीं के स्कूल खुलने हैं, बाकी कक्षाओं पर फैसला नहीं। प्रदेश में खुल सकते हैं छोटे बच्चों के स्कूल, क्योंकि 90% शिक्षकों को लगी दोनों वैक्सीन डोज। जयपुर भास्कर, माध्यमिक तक 3.73 लाख शिक्षक, प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा कुल 4.54 लाख पद। प्रदेश में 1.5 साल बाद सबसे कम 6 नए रोगी। राजस्थान पत्रिका जयपुर, बुधवार 18 अगस्त 2021, जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू की तैयारी, आगामी शिक्षण सत्र से नई व्यवस्था होगी शुरू। अब पढ़ाई का भी क्रेडिट बैंक, जमा होंगे पढ़ाई के आंकड़े। अब सावधानी के साथ स्कूल चले हम। 378 जिलों में 24,000 अभिभावकों पर किया सर्वे, 53% अभिभावक चाहते हैं सितंबर तक खुल जाएं स्कूल। राजस्थान पत्रिका नई दिल्ली, मुख्यमंत्री गहलोत की घोषणा, सहायक अभियोजन अधिकारी सहित 63 नए पद सर्जित। राजस्थान पत्रिका जयपुर, तबादले कर सरकार कर रही है खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन, गुलाब चंद कटारिया का बयान। राजस्थान पत्रिका जयपुर, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड तबादला, चयनित 1300 अभ्यर्थियों का 1 महीने से धरना जारी, कोर्ट में पैरवी की मांग की। बीकानेर शिक्षा विभाग भास्कर, रीट 2018 लेवल 2 2840 विद्यार्थी चयनित, मामला। राज्य के बाहर से डिग्री लेकर नौकरी लगे शिक्षकों को नहीं मिल रहे लाभ। 40 थर्ड ग्रेड टीचर का 2.5 साल बाद भी स्थायीकरण नहीं, डीओ एलिमेंट्री ऑफिस में शिक्षकों का प्रदर्शन। बीकानेर भास्कर, शाला दर्पण पर करना होगा आवेदन, मंत्रियों व विधायकों के यहाँ सिफारिशें शुरू। शिक्षक तबादले, अलवर में थर्ड ग्रेड के लेवल 1 और 2 के 1242 पद खाली। अलवर भास्कर, तबादले, अनलॉक, स्कूल खुलने से पहले ही पद खाली। 415 सेकेंड ग्रेड शिक्षकों का तबादला, 325 अपने जिलों में गए, तबादलों का मॉनसून। चित्तौड़गढ़ भास्कर, तबादलों का मौसम, आज सुबह 10 बजे से 25 अगस्त तक रात 12 बजे तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। 3 साल बाद होंगे थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर।
जिले में खाली पड़े हैं थर्ड ग्रेड शिक्षकों के 1384 पद। परेशानी है कि डार्क जोन सहित अन्य जिलों में सीकर के 15,000 टीचर्स कार्यरत है जो तबादला चाहते हैं। सीकर भास्कर AN परीक्षा 2018 अगले महीने में शुरू हो सकते हैं। इंटरव्यू 2164 अभ्यर्थी है शामिल। अजमेर राजस्थान लोक सेवा आयोग। IAS प्रारंभिक परीक्षा की तिथि भी होगी तय। IAS भर्ती 2021 988 पद। आज से शुरू होंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन। नवज्योति जोधपुर। RBSE बोर्ड परीक्षाओं में अब 20 को भी अवकाश रहेगा। मुहर्रम के दिन होने वाली 10वीं 12वीं की परीक्षाएं अब 25 को होगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। NTPC परीक्षा आज से दी जा सकेगी आंसर की पर आपत्ति। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर। नर्स ग्रेड द्वितीय अभ्यर्थियों को नई जगह जॉइनिंग नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। जयपुर हाईकोर्ट भास्कर। BSc नर्सिंग में 2021-22 में एडमिशन नीट से नहीं। जयपुर भास्कर। संस्कृत विश्वविद्यालय में हर साल 10 करोड़ रुपए खर्च। UG की 10% सीटों के लिए आवेदन। कई विषयों में तो एक भी प्रवेश नहीं। राजस्थान विश्वविद्यालय 34,000 रजिस्ट्रेशन हुए फिलहाल अभी 2 दिन बाकी है। जयपुर भास्कर। प्रदेश के राज्य के कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया आज से। राजस्थान पत्रिका जोधपुर। ये रहेगा कार्यक्रम। स्टूडेंट कॉर्नर 15 से 24 सितंबर के बीच आयोजित होगी CUCET परीक्षा। डेली न्यूज जयपुर। 20 अगस्त को होने वाली परीक्षा अब 25 को। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड डेली न्यूज। लेटेस्ट अपडेट कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित। SSC डेली न्यूज जयपुर। 60,00,000 छात्र कर रहे हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का इस्तेमाल। डेली न्यूज जयपुर। UG PG सेमेस्टर परीक्षा के 4 परीक्षा केंद्र बदले। डेली न्यूज जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय। शिक्षा सत्र एडमिशन के लिए पॉलिसी जारी। स्कूल एडमिशन की तारीख बढ़ाई। अब 19 को होगी 20 अगस्त की परीक्षा। डेली न्यूज जयपुर। प्रदेश के निजी स्कूलों का फसाद। फीस नहीं दी तो अंक तालिका और TC नहीं मिलेगी। नवज्योति जयपुर। विश्वविद्यालय में 20 अगस्त को होने वाली परीक्षाएं स्थगित। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय नवज्योति जोधपुर। चिकित्सा विभाग में UTB पर हुई भर्ती। कट ऑफ व पदस्थापन सूची जारी। अलवर भास्कर। IMED डिग्री धारकों ने की प्रदेश सरकार से रोजगार की मांग। जयपुर में धरना दिया। धौलपुर भास्कर। ZEE मेन के आधार पर प्रमुख संस्थानों ने आवेदन तिथि सितंबर तक बढ़ाई। कोटा भास्कर। ZEE मेन वेतन विसंगति दूर न करने से शिक्षकों में रोष। मूल वेतन 11,170 के स्थान पर 12,900 करने की मांग। श्रीगंगानगर भास्कर। विद्या संबल योजना गणित अंग्रेजी एवं विज्ञान में गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन 27 तक। 12 तक छात्रों के लिए कोचिंग निःशुल्क। बाड़मेर भास्कर। शिक्षा विभाग से जुड़ी 3 खबरें। नई भर्ती से जिले में सुधरेगा शिक्षा का स्तर। विषय विशेषज्ञों की कमी दूर करने आ गया। GGTU कॉलेज में प्रवेश शुरू। शिक्षक भर्ती 2016 अब गांव के स्कूल में खाली पड़े पदों पर पढ़ाएंगे GGTU शोधार्थी। प्रवेश नीति प्राइवेट से सरकारी कॉलेज में एडमिशन ट्रांसफर बंद। इग्नू पाठ्यक्रम 4 केंद्रों पर 3,000 से अधिक अभ्यर्थी दे रहे हैं परीक्षाएं। श्रीगंगानगर। CBSE 10वीं 12वीं बोर्ड की 2 बार होगी परीक्षाएं। श्रीगंगानगर। कॉलेजों में एडमिशन प्रोसेस आज से शुरू। फर्स्ट डिवीजन से पास हुए 30% स्टूडेंट्स को ही मिलेगा सरकारी कॉलेजों में
एडमिशन। बीकानेर भास्कर जिले के 14 सरकारी कॉलेजों में 10,431 सीटें, 90% से अधिक अंक वाले ही 10,000 से अधिक विद्यार्थी सीटें बढ़ेगी। सीकर भास्कर सरकारी स्कूलों की कक्षा 9 से 12वीं में अब 31 तक प्रवेश। सीकर भास्कर एक ही दिन में 12वीं व समकक्ष कक्षाओं के 35 पेपर हुए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। तो दोस्तों इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।